जाकी हुंडी झाल सावण दो सां कहते। पत्थर से रह दास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदे जगदीश कहां तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, नामा की छान छुआई दई देखो सरसंधा। सरगुण देवा सारे है निर्गुण से नहीं नेह, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब क्या कहता है धर्मदास, कहते आपने कैसे कह दिया इसको पत्थर मेरी मूर्ति को, ये तो भगवान है, भगवान पत्थर ना कहिए जिंदा। और देख नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया था, और नरसी जी भी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसके आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, भगवान को याद करते थे, और उनकी हुंडी को परमात्मा ने कैश कराया था। और नामदेव जी ने भी पत्थर को दूध पिलाया था, तो आप इनको पत्थर कैसे कह रहे हुए, तो भगवान हैं। परमात्मा ने कहा आप कितने दिन से इन पत्थरों की पूजा कर रहे हो। धर्मदास जी ने कहा मैं तो बचपन से ही लगा हुआ हूँ, आज तक आपसे किसी पत्थर ने दूध पिया अग्ना, मेरे से तो नहीं पिया। फिर जिन महापुरुषों के तू उदाहरण देता है उसकी बैकग्राउंड सुने, ध्यान तो बताता हूँ। नामदेव जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत प्यारी आत्मा थी, हमारे ही सेवक थे कभी किसी युग में, परमेश्वर कहते हैं वो सच्ची भक्ति किए हुए थे। किसी कारण से वो पार नहीं हो सके, तो पुनर्जन्म जब उनका हुआ उनके साथ वो सिद्धि पिछले पुण्य की वो साथ होती है, पिछले संस्कार उनके साथ होते हैं, और उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर पत्थर ने नहीं दूध पिया, परमात्मा कहते हमने ही वो दूध पिया, उस पत्थर ने नहीं पिया। ऐसे ही नरसिंह जी की हुंडी भी हमने ही उसके पिछले संस्कारों के कारण उनको ऐसा ज्ञान दिया, उसने सब संपत्ति को वितरित कर दिया, दान कर दिया, उसके बाद फिर उसके किए हुए पुण्य के आधार से हमने ही उसकी हुंडी कैश की थी, उसका ड्राफ्ट कैश किया था नरसिंह जी का, परमात्मा कह रही। और जिन साधनाओं से तू वर्तमान में कर रहा है, या वर्तमान में वो नामदेव जी कर रहे थे या रविदास जी करते थे मेरे से मिलने से पहले, परमात्मा कहते, या रविदास जी करते थे, नरसिंह जी करते थे, वो साधना वर्तमान में कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी, उसके पिछले पुण्य के आधार से उनको ये लीलाएं हमने ही की थी। जैसे एक टटीरी पक्षी है, और वो टटीरी पक्षी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे दे दिए थे, अंडे उत्पन्न कर दिए, उधर से महाभारत के युद्ध का संयोग हो गया। उसने भी अर्ज करी थी, वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से भगवान ने इष्ट मान रही थी, वह पिछले जन्म जन्म की कोई संत नहीं थी, उसके पुण्य कर्म उसके साथ थे, तो परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी थी और उसके अंडों को सुरक्षित रख दिया था। एक बहुत बड़ा हाथी का बहुत बड़ा घंटा उसके ऊपर डाल दिया, टाली घंटाला, महाभारत हो गया, अग्निबाण छुट्टे, लाखों लोग मर गए, वो अंडे सुरक्षित रहे। तो वह कौन से मंत्र जाप करे थी, वह कौन से पत्थर ने दूध पिया करती, पत्थर पूजती थी, वो पिछले संस्कार से कुछ लीलाएं हुई हैं उन्हीं पर तुम गलत ढंग से आरूढ़ हो गए। अब धर्मदास कुछ नरम हुआ, फिर परमात्मा क्या बोले, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हम खलक ये सकल हमरा परकासा। परमात्मा कहने लगे कि सुन धर्मदास कि ये हम खालिक यानी पूरी सृष्टि के हम मालिक हैं, मैं मालिक हूँ, कबीर जी कहते हैं। और हम ही खलक यानी हम ही से खलक, यह सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है, मैंने ही वचन से सब ब्रह्मांडों को रचा था, फिर इस काल को इसके तप के आधार से इसको दे दिया था। हम ही से चंद्र सूरज, हम ही से पानी और पवना, हम ही से धरनी आकाश रहे हम 14 भवना, हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा,
अचराचर चौखान बनी विधि 18-12। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया वो भांति, हम ही आद अनादि हम हैं अवगत के नाती। हम ही माया मूल हम ही हैं ब्रह्म उजागर, हम ही अदर बसंत हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कि ये जो मूल माया है ये भी हमने ही रची है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी हमने ही की है, और हम अधर बसंत हम ऊपर रहते हैं। अधर अधर्म कर अधर्म टांग रखे ऊपर ने, हम ही अधर बसंत और हम ही हैं सुख के सागर। परमात्मा कहते हैं कबीर जी के हम ही सुख के सागर हैं। हम ही से ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। परमात्मा कहते हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घन सार। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, अब धर्मदास जी बोलते हैं। बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। खान पान सा स्थान देहे मैं बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कही हो जगदीसम। कैसे रचे चंद्र सूर नदी गिरवर पाषाणा, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करे किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घटकट रम रहे किस विद रहो नियार, कैसे धरती पर चलो कैसे अधर अधार। अब धर्मदास जी प्रसन्न करते हैं क्योंकि देखो हमारी इतनी बुद्धि काम करे थी, बच्चों जैसा दिमाग था हमारा सभी का लोक वेद के आधार से। अब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं कि हे जिंदा, आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, भगवान बता रहे हो, आप तो मेरे सामने बैठे हो, आप खाते पीते नजर आते हो, आप चलते फिरते हो, बोल रहे हो, आपका शरीर दिखाई देता है। अब हमारी सबकी बुद्धि यहाँ सेट हो रही थी कि परमात्मा तो निराकार है, वो दिखता कोन्या, वो पृथ्वी पर आता ही नहीं, और उधर से विष्णु जी को भगवान मान रखा है, उसकी मूर्ति ले रखी है भले आदमी ने, और क्या कहते हैं। बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। के तेरे तो सारा शरीर दिखे, तू जीव रूप में बैठा है मनुष्य रूप में है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। अलख अभेवा यानी मेरा कोई भेद नहीं जानता, मैं अलख हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, कि तेरा शरीर दिख है न्यू का न्यू हमारे जैसा। और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे, तू बात करे बड़ी बड़ी। धर्मदास कहता है कि तुम बात करते हो बड़ी बड़ी कि मैं भगवान हूँ, पर मेरे मन में यह बात समाती नहीं आपकी कि तू भगवान हो सकता, क्योंकि तू सामने मुझे दिखाई दे रहा। देखो हमारी ऐसी बुद्धि थी सबकी, हम अपने भगवान विष्णु की पूजा करते थे और फिर भी किसी से चर्चा होती थी भाई क्या करता है, दूसरा कहता मैं तो भाई 2 घंटे बैठकर ध्यान लगाता हूँ। भाई परमात्मा कैसा है, क्यों तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। हम भी यही बोली बोलिया करते थे। अब परमात्मा की रोशनी में, परमात्मा के तत्व ज्ञान के चांदने में अब पता चला। एक शेख फरीद नाम के महान आत्मा थे, ये पिछले संस्कार से जिनके अच्छे होते हैं, पुण्यकर्म होते हैं, वही प्राणी परमात्मा के पाने का प्रयत्न कर रहा होता है, उसको जैसा भी मार्ग मिला है उस पर लगा ही होता है, वो रुक नहीं सकता भगवान की भक्ति बिना। तो शेख फरीद जी बचपन से ही, पिछले जन्म से ही भगवान की भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन जैसे मार्गदर्शक मिलते हैं उन्हीं पारूढ़ हो जाते हैं।
ये मुसलमान धर्म में जन्म था शेख फरीद का। ये शरारती, बहुत बच्चे शरारती होते हैं। माँ ने सोचा ये शरारत बहुत करता है, इसको किसी तरह सेट करूं। उसने कहा बेटा तू नमाज किया कर। अब शेख फरीद कहने लगे क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा? कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत पसंद थे। वो कहने लगा माँ सचमुच अल्लाह मुझे खजूर देगा? कहाँ देगा, आज अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो कभी नहीं करूँगा फिर मैं नमाज। कहाँ बेटा, अब उसकी एक चादर बिछा दी और कहा और नमाज उसने के करनी आव थी। नू बोला नू कहते रहे ना बेटा। माँ ने कहा अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। तो उसने चादर बिछा दी, वो करता रहा अल्लाह खजूर दे। माँ ने इतना अपना जो घर का कार्य था, बर्तन साफ कर लिए, कोली पापोती कर ली और उसके एक पत्ते में लपेट कर थोड़े से खजूर, कोई वृक्ष के पत्ते में, पीपल के पत्ते में खजूर लपेट कर और उसकी चादर के नीचे रखाई। अब जो माँ का काम हो लिया, जब ने कहा कि भाई शेख बेटा शेख फरीद माता जी आ जा, अब नमाज बंद कर दे। अच्छा, तो भाग्य आया। कहने लगा माँ तू तो झूठ बोलती थी, अल्लाह ने खजूर तो दिए नहीं, चद्दर के ऐसे थोड़ा देते हैं भगवान, वो गुप्त देते हैं बेटा, चद्दर के नीचे दे कहीं रखे, जरूर रख गए होंगे वो अल्लाह। उन्हें चद्दर उठा के देखी, वो खजूर पा के कूदता फिर खा पी के फिर ने बोला माँ ये फिर कब करनी है नमाज? अब प्रतिदिन माता ऐसे ही कर दे, वो अपना खजूर खजूर करें जा, अल्लाह खजूर दे। माँ इतने काम कर ले, उसके नरे उलाने आया करते, वो पीछा छूटा। एक दिन वो खजूर रखड़े भूल गई चद्दर के नीचे, 5-7-10 दिन के बाद। और वो उठा तो माँ का ध्यान आया कि इसने तो, माँ ने कह दिया भाई ठीक है बंद कर दे भी नमाज। वो एकदम उठा, चद्दर उठाई और माँ सोच गई कि आज मैं खजूर रखना भूल गई, अरे ऐसा नालायक साहब कभी नमाज नहीं करे, कभी नहीं टकेगा ना मेरी सुनेगा, बहुत चिंतित होगी। वो क्या देखती है कि खजूर खाता हुआ आ रहा है। माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू? हक माँ प्रतिदिन अल्लाह देता, चादर के नीचे रखे थे। अब माँ ससमजसम पड़ गई, आज मैंने रखे को नहीं, खजूर नहीं थे, ध्यान नहीं आया इस बात का। वह भाई माँ का जच्चे नहीं, एक सचमुच खजूर इसने नीचे पाए होंगे। कहने लगी सच ही बता कौन दे गया? अकमा देख आज दिखाऊंगा, देख ये पत्ते रखे, इनमें रखे थे। तो पुण्यात्मा ऐसे कृषि में परमात्मा पिछले पुण्य से अपने बच्चों के लिए करता है, फिर उस बच्चे की दृढ़ विश्वास बना और माँ का भी दृढ़ विश्वास भगवान पर हो गया। कुछ दिनों के बाद ऐसे संस्कारी प्राणी घर त्याग देते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना, ज्ञान होता घर में भी रह सकते हैं, भक्ति घर पे रह के भी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान ना होने से परमात्मा पाने के लिए वो घर त्यागना ही उचित समझते हैं। अब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटक्या, वहाँ जाकर के बाहर भटक रहे थे तो परमात्मा पाने के लिए, तो उसने आगे एक तपस्वी संत मिल गया जिसका बहुत बोलबाला था, कुछ सिद्धियां थी उसके पास। और सिद्धि इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, उसे कुछ करामात हो जाती हैं, जनता उनके पीछे हो जाती है, आप भी नरक में और अनुयायी भी नरक में, ये काल का भयंकर जाल है। अब उस महात्मा में कितनी सिद्धि करामात थी, शेख फरीद मारण लग गया घर त्याग का आश्रम में, वहाँ प्रतिदिन प्रत्येक 5-7 भक्त रहते थे उनके सेवक, तो उनकी आपस में भाई खेचातानी ना हो, उनके प्रतिदिन सेवा बांट दी थी। और कुछ श्रद्धालु ये विशेष कर ये सोचते हैं भी हम भी गुरुजी की सेवा करें, हमारा भी नंबर आवे, इसलिए प्रतिदिन उनका एक एक दिन बांट रखा था कि एक दिन ये भगत सेवा करेगा गुरुजी की, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। अब शेख फरीद जो घर से निकला था परमात्मा पाने के लिए, और परमात्मा मिलता है गुरुजी को रिझाने से, गुरुजी को प्रसन्न रखने के,
से परमात्मा प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि उठे गुरु ठोड़ है, गुरु उठे नहीं ठोड़।